वर्ल्ड मीडिया टाइम्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमनदीप कौर। शाहजहानपुर में स्कूली बच्चों को एक दिन का डीएम बनाया गया, जहां बच्चों ने डीएम की कुर्सी पर बैठकर सुनवाई की। जबकि डीएम पास की कुर्सी पर बैठकर सुनवाई में शामिल हुए डीएम का कहना है कि बच्चों में कुछ बेहतर करने का, मुकाम हासिल करने की भावना पैदा करने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। दरअसल इंद्र विक्रम सिंह अपने कार्यालय में बैठे थे, तभी कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे पॉलिथीन फ्री कार्यक्रम में शामिल होने के लिए डीएम को इनवाइट करने आए थे। इसी बीच डीएम ने बच्चों को यह पूछा कि क्या वह बनना चाहते हैं। ऐसे में कुछ बच्चों ने आईएएस बनने की इच्छा जाहिर की। बच्चों का उत्साह वर्धन और उनके अंदर कुछ बेहतर करने की भावना पैदा करने के लिए डीएम ने स्कूल के 3 बच्चों को अलग अलग वक्त देकर उन्हें संकेतिक डीएम बना दिया। संकेतिक डीएम बनकर बच्चे डीएम की कुर्सी पर बैठे और उन्होंने बफायदा सुनवाई की। इस दौरान जिलाधिकारी उनके पास वाली कुर्सी पर बैठकर बच्चों के साथ सुनवाई करते नजर आए। डीएम इंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि इस तरह से बच्चों का उत्साहवर्धन होता है और उनके अंदर कुछ अलग करने की भावना पैदा होती है। फिलहाल डीएम की इस पहल से बच्चे बेहद खुश नजर आए। आइए सुनाते हैं फातिमा डीएम बनने वाले बच्चे और इंद्र विक्रम सिंह डीएम का क्या कहना है। Good morning all of you, I am Fatima of class 9B, Delhi World Public School, OIR Shahjahanpur. Today I am feeling very proud to be the student of Delhi World Public School as I got the opportunity to meet our respected district magistrate of Shahjahanpur, Mr. Indra Vikram Singh. I, along with some more delights, discussed the problems of climate change going on nowadays with the district magistrate. We gave him our petition to ban the polythene bags in our city. We spent moment with DM sir by listening complaints of the victim and giving solution and further litigate. As nowadays climate change is biggest threat to our planet, so we must spread awareness among people and we must launch awareness campaigns for banning the polybags. I think that some Greta Thunberg should also stand for our beautiful land. Thank you. देखिए, एक विद्यालय के बच्चे आज कलेक्ट्रेट में आए थे। जब मैं जनता की सुनवाई कर रहा था, वो प्लास्टिक फ्री मूवमेंट चलाना चाह रहे थे और उसके लिए शुभकामनाओं के लिए मेरे पास आए थे। बच्चों से पूछा गया वो क्या बनना चाहते हैं आने वाले समय में और कैसा समाज देखना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चों की बहुत सारी इच्छाएँ थी। कुछ डॉक्टर बनना चाह रहे थे, कुछ इंजीनियर बनना चाह रहे थे, कुछ राजनीतिक क्षेत्र में काम करना चाह रहे थे, कुछ एस्ट्रोनॉट बनना चाह रहे थे। उनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी थे जो आईएएस बनकर देश की सेवा करना चाहते थे। तो कुछ बच्चों को उसमें से अवसर दिया गया कि वो आएँ और जनता को जो उनकी विभिन्न किस्म की शिकायतें हैं, समस्याएं होती हैं, उनसे रूबरू हों ताकि उनको एहसास हो सके कि किस प्रकार की कठिन समस्याओं का उनको आगे आने वाले समय में समाधान करना पड़ेगा। उस नज़रिए से उनको बैठा कर ये अवसर दिया गया कि वो थोड़ी देर के लिए ही सही जिलाधिकारी के महत्वपूर्ण पद के दायित्वों को समझ सकें और ये भी समझ सकें कि कितनी किस्म की समस्याओं का निराकरण करने के लिए जनता उनके पास आती है और इसके कारण उनके मन में एक उत्साह रहेगा, जज्बा रहेगा और जो सपना लेकर वो अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं या जो उनके मन में पनप रहा है समाज की सेवा का, देश की सेवा का, उसके लिए उनको और उत्साहन मिल सके और प्रोत्साहन मिल सके। तो इस नज़रिए से कुछ बच्चों को आज ही अवसर दिया गया। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब